अभी कल एक बच्चा मुझे मिला था यहाँ पे कोटा विद्यापीठ में कि सर नींद ही नहीं आ रही है आजकल, सोने की कोशिश कर रहा हूँ नींद ही नहीं आ रही है। कहेंगे यार 3 घंटे सोऊंगा तो मेरा जो है आउटपुट ज्यादा निकलेगा। जब आप सोने जा रहे हो उसके पहले अपना नेक्स्ट डे का टास्क लिख लें, भले ही आपका 70% फॉलो हो, 60% फॉलो हो, 80% फॉलो हो, जितना भी फॉलो है वो अगर फॉलो हो गया ना, इसका मतलब वो अपने आप में ही 100% है, अपने आप में ही आप समझ लो कि हाँ हो गया, एक आध चीज छूट गई कोई बात नहीं नेक्स्ट डे कर लेंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, कम से कम 6 घंटा तो सोए। ऐसा नहीं कि भाई हमको जो है तैयारी करनी है और तैयारी में तो ऐसा बोला गया था कि दिन रात एक कर देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिन रात एक करने का मतलब उनका ये था कि आप उस चीज में इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब आपकी दिन रात एक हो गई है। ऐसा तो नहीं होता कि बिना सोए काम होना है, सोना तो पड़ेगा। आप 4 घंटे सोकर 2 घंटे उबासी लेके पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा ढंग से सो लो यार, कम से कम 6 घंटे की तो नींद ले ही लो यार, है ना। कई लोग ऐसा करते हैं कि यार 3 घंटे सोऊंगा तो मेरा जो है आउटपुट ज्यादा निकलेगा। भाई मशीन है ना ये, इसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है ना, थोड़ा रेस्ट दे दो, रेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उठो और जब सो उसके बीच में सिर्फ पढ़ाई करो, है ना। अब वो पढ़ाई में बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, थोड़ा सा आप रिफ्रेश करने के लिए अपनी हॉबी को भी फॉलो कर सकते हो, है ना, थोड़ा बहुत खेल भी सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि 4 घंटे ही सो रहे हैं। कई बच्चे हैं, अभी कल एक बच्चा मुझे मिला था यहाँ पे कोटा विद्यापीठ में कि सर नींद ही नहीं आ रही है आजकल, सोने की कोशिश कर रहा हूँ नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपना साइकिल ऐसा बिगाड़ लिया है कि भाई सोचो नींद नहीं आ रही है, और फिर कहते हैं कि सर एकदम से नींद आ जाती है फिर मैं सो जाता हूँ, फिर मैं 10 घंटे सोता हूँ, लेकिन जब सोना चाहिए तब सोते नहीं है, तो एकदम साइकिल ही बिगड़ जाता है। तो ये अपना साइकिल एकदम सेट करके रखो।